36 में, सिक्स्थ क्वेश्चन से, उसे फिफ्थ भी है, फिफ्थ भी है, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, तो नहीं फिफ्थ आपने करना नहीं है, अभी हमने किया नहीं है, इसमें अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड यूज हो रहा है, ये नहीं करना है, छोड़ दें, ये आने वाला है, अभी आने वाले टाइम में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अर्थ का फील्ड हमने पढ़ा नहीं हुआ, इसको छोड़ दें फिफ्थ को। सिक्स देख लें, सिक्स में देखो आपको इनफाइनाइट वायर गिवन है दोनों, ये वायर नंबर वन है, ये वायर नंबर टू है, वायर नंबर वन डी वन का फॉर्मूला लगाएगी म्यू नॉट बाय फोर पाई, टू इंटू टेन, ये पाँच का आधा 2.5 है, 2.5 इंटू टेन की पावर माइनस टू, ऐसे ही बी टू का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली क्या होगा, सेम, तो बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड आ गया। मेन है डायरेक्शन, डायरेक्शन देखें, इसके अंदर देखें ये करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो बी कैसे होगा इसमें, इनसाइड, और यहां पे करंट कहां आ रहा है, ऊपर, तो बी कैसे होगा, इनसाइड, तो यानी कि दोनों के दोनों बी वन बी टू क्या है, इन, तो नेट वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइडिया क्लियर है यहां तक, मेन चीज है डायरेक्शन, कैंसिल करनी है या नहीं करनी, तो आपने थंब लगा के देखना है तो इनसाइड है, यहां लगा के देखना है तो भी इनसाइड आएगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट सिक्स के बाद, नाइन, सिक्स के बाद नाइन, नाइन में इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट गिवन है 200 एम्पियर करंट गिवन है, क्यूबिकल बॉक्स में एंटर कर रहा है, ईच साइड ऑफ द बॉक्स 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, आपको क्या गिवन है, आपको पी क्यू एलिमेंट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन है, तो पी क्यू एलिमेंट का मतलब ये आपको डीएल गिवन है, बहुत स्मॉल एलिमेंट है, बैट सेवट लो लगेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ए पे, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ए पे निकालना है तो ये डीएल है, ये आर है, आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 20 का आधा कितना है, 10, क्योंकि टोटल 20 है, ये मिड पॉइंट में वायर है तो ये कितना है, 10, तो ए पॉइंट पर बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आपको आई पता है, आपको डी एल पता है, आपको आर पता है, साइन 90 पता है, तो जो रिजल्ट ए पे आएगा सेम रिजल्ट बी पे भी आएगा, ए और बी हो गया, बाइट सबेट लॉ एंगल 90 के साथ, फिर उसके बाद सी और इस पॉइंट का फील्ड जीरो होगा क्योंकि एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करता है, तो फील्ड बी क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है यहां तक, बी जीरो होगा इसमें। नेक्स्ट है आपको अगर डी पॉइंट पे निकालना है, अब डी पॉइंट का मतलब ये एंगल कितना है, 45, ये 10 सेंटीमीटर है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू यहां पर होगी अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पाइथागोरस, और एंगल ये क्या होगा 45, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 45 लगा लेना बाय आर का स्क्वायर, आर निकलेगा पाइथागोरस से, एंगल क्या होगा 45 डिग्री। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, तो एंगल 45 डिग्री साथ काम इसमें चलेगा, ठीक। नेक्स्ट नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, टू लॉन्ग कंडक्टर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी, दो लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, ये रहा ए ओ बी, ये रहा सी ओ बी, तो ओ पॉइंट सेंटर है, ऐसी पड़ी हुई हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, परपेंडिकुलर है, एक में करंट आई वन है, एक में करंट आई टू है, ऐसे पड़ी हुई हैं। आपको बी कहाँ निकालना है, पी पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द पॉइंट ओ इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी सी डी, ये ए बी सी डी प्लेन है, और आपको कहाँ निकालना है, बी यहाँ निकालना है, उसने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये ए ओ बी, अच्छा चलो ऐसे ले लो, ए ओ बी सी ओ डी, फिर आपको यहाँ निकालना है बी, एक ही बात है, एक ही बात है, तो इस करंट की वजह से अगर बी इधर होगा या नीचे होगा तो इसकी वजह से ऊपर होगा, मतलब एक 90 डिग्री पे होगा, तो आपको लगा के देखना पड़ेगा कि इसमें जी जैसे बी इधर है, इसमें इधर है, तो एक ऊपर होगा एक इधर होगा, इसलिए नेट 90 डिग्री पे आएंगे, इसलिए नेट बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, इमेजिन करना पड़ेगा, ये मैं तभी ऐसे दिखा रहा था, चलो ये ले लें, ये पॉइंट यहाँ पे है, करंट इधर इधर जा रहा है, इधर करंट जा रहा है, तो ये पॉइंट है आपकी तरफ जा रहा है, तो बी कैसे होगा,
मेरी तरफ, इसमें ऐसे जा रहा है तो आपकी तरफ, तो बी मेरी तरफ आपकी 90 डिग्री पे ऐसे बनेगा। ठीक, इमेजिन करना है कि पेंसिल लेके देखनी है घर पे ना, ये पेंसिल लगा लगा के देखनी है बी कैसे होगा, कैसे कैसे आएगा, 90 डिग्री पे आएगा तो नेट आंसर आएगा। कोई और डाउट है इस शीट में? शीट नंबर 35 के अंदर क्वेश्चन नंबर पूछो। हाँ बोलो। 9 सर। एक मिनट, 1 2 3, पहले 3 आ रहा है। देखो बता देता हूँ, इसके अंदर बेसिकली क्या है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। डायरेक्शन थोड़ी कंफ्यूजिंग है इसमें, ऐसा है कि देखो इसके अंदर दो कंसेंट्रिक एक्स और वाई है, आपको रेडियस इसमें गिवन है, क्वाइल एक्स के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, क्वाइल बी वाई के भी नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करंट भी पता है। सेंस ऑफ करंट एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाई क्लॉकवाइज। कौन देख रहा है? एक ऑब्जर्वर लुकिंग एट द क्वाइल फेसिंग वेस्ट। अब ये ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं, मान लो चलो फेसिंग वेस्ट, वो वेस्ट है तो मैं वहाँ देखूँ तो मेरे को करंट एक्स में कैसे दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो ऐसे दिख रहा है तो बी कैसे है? मेरी तरफ, वेस्ट की तरफ है, तो मैं वेस्ट को देख रहा हूँ, सॉरी ईस्ट की तरफ है तो बी ईस्ट की तरफ है। और जो कॉइल वाई है उसमें करंट ऐसे दिख रहा है यानी कि वेस्ट की तरफ है, तो एक ईस्ट का भी है एक वेस्ट का भी है, दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो आपको दो कॉइल को ऐसे रखना पड़ेगा और दो कॉइल को रख के बी का फॉर्मूला सेंटर पे लगाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से ये तो मैंने करवा दिया, इसका नेट आंसर 0 आएगा, सेंटर पे भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक आर्क है, रेडियस R1 की, छोटे वाला R2 की, बड़े वाला R1 की। तो आर्क का फॉर्मूला देखो, सेमी सर्कल है ना, तो बी का फॉर्मूला R2 वाले का क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4π 2πi बाय R2। और B1 का फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4π 2πi बाय R1। डायरेक्शन देखें, और इसका तो लेंगे ही नहीं क्योंकि एक्सिस के ऊपर O पॉइंट लाई करता है। तो इसमें करंट ऐसे है तो कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। इसमें करंट ऐसे है तो कैसे है? इनसाइड। ये इन है, ये आउट है। ठीक है, R2 रेडियस छोटा है तो B की वैल्यू इसकी बड़ी है, तो B2 में से B1 को माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? निम्रत आपने पूछा है क्वेश्चन 9, ठीक है? यस सर, यस सर। और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, करंट 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ। तो ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये लो करंट साउथ टू नॉर्थ, ये रहा, ये साउथ टू नॉर्थ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे बनेगा एट एंगल ऑफ 45, और 1 सेंटीमीटर वायर है तो ये DL गिवन है 1 सेंटीमीटर, और ये R की वैल्यू गिवन है 2 मीटर। बाय सर्वेट लॉ म्यू नॉट बाय 4πi DL साइन 90 बाय R2, साइन 45 बाय R2, ऐसे होएगा, 45 डिग्री पे बनेगा। तो जब लेंथ बहुत छोटी है वायर की 1 सेंटीमीटर तो वो DL माना जाता है, और R बहुत बड़ा है तो बाय सर्वेट लॉ। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये प्रिपेयर करके आना है आपने सारा टेस्ट के लिए अगली बार टेस्ट इसका करना ही है।